वाले लड्डू के लिए पॉपकॉर्न एंड यहाँ पे थोड़ी सी कॉफ़ी पड़ी है बीट हुई, तो मैं यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ, तो मैं पीऊँगी कॉफ़ी। इवनिंग गाइस, कॉफ़ी बन गई है मेरी, मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। इवनिंग टाइम है, थोड़ा इवनिंग टाइम अब अच्छा लगने लगा है ना, होने लगा, मतलब कि सर्दियों में तो पता ही नहीं चलता था इवनिंग का, अब गर्मियाँ थोड़ी सी थोड़ी स्टार्ट हो गई, तो इवनिंग टाइम भी थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो आप सभी पी लो कॉफ़ी, मैंने बनाई कॉफ़ी एंड मैंने हेयर वॉश किए थे आज, बस मैंने कॉम्ब नहीं किया, वहीं पड़े। सो चलो, वाश होना, बेबी के पॉपकॉर्न बन रहे हैं। मैं ना रूम में नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये ना कॉफ़ी मैंने सिर्फ मेरे लिए बनाई है, मायरा के लिए नहीं बनाई। मायरा ने देख ली तो ऐसे कहेगी, मम्मा मुझे भी तो कॉफ़ी, वो भी कॉफ़ी की काफ़ी शौकीन है, बट मैं सोची हूँ ज़्यादा कैफीन अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए, तो मैंने बनाई। आज मैंने चाय नहीं पी थी मॉर्निंग में, तो मैं तो थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का मन किया, तो मैंने कॉफ़ी बना ली। सो देखते हैं क्या रहते हैं, मिलते हैं आपको। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ अचारी पेठा। आप सब लोग कहोगे क्या ये रोज़ ही एक ही सब्जी पेठा पालक पनीर मटर पनीर यही बनाती है, जो अच्छी लगती है वही बनाएंगे ना यार, तो जो अच्छी लगती है वो लेके आते हैं, वही बनती है घर पर, तो वही बनेगी डेली जो भी अच्छी लगती है। तो आज मैं बनाऊंगी पेठा डिनर में, सो आप लोग मिस मत करना। एंड यहाँ पता नहीं शोना बेबी के पॉपकॉर्न बन गए हैं क्या, मैं अभी देखती हूँ। यहाँ पे इससे वाल से गर्म होते ना, बन गए हैं, तो उसको हम मैं कर देती हूँ ऑफ और शोना बेबी के पॉपकॉर्न ले जाके दे देती हूँ उसको, देखिए थोड़ा ठंडा हो जाए फिर ले जाके देती हूँ मैं उसको। यार मेरे बर्तन हो चुके हैं, कॉफ़ी बनाई थी, पॉपकॉर्न बनाए थे, कॉफ़ी पी थी, तो मैं इनको फटाफट क्लीन कर देती हूँ। दूध अभी तक आया नहीं है, दूध मुझे बॉईल करना है, ये बर्तन मैं रख देती हूँ, ये क्लीन है, और ये मैं वॉश कर देती हूँ। बर्तन हो चुके हैं क्लीन एंड मैं अब ना वेजिटेबल निकाल देती हूँ, जो भी मुझे बनाऊँगी ये एंड टमाटोज ये मैं बाहर निकाल लेती हूँ, थोड़ी देर में बनाऊँगी मैं। अभी मैं जाती हूँ थोड़ी देर टेरिस पे घूमने के लिए, सो चलो चलते हैं। देखिएगा गाइस, मैंने ना कल इसमें कर्ड बनाई थी बट बनी नहीं, इसी पहले दिन मैंने बनाई थी वो तो बन गई थी, बट ये कल वाली पता नहीं क्यों नहीं बनी, मैंने इसमें कर दिया आई थिंक, आई डोंट नो। सारांश आ गया, सारांश और मैं जा रहे हैं, आप भी खा पॉपकॉर्न गाइस। हम लोग आ चुके हैं छत पर और ये देखिए कहाँ गई, उधर भी आऊं मैं, आऊं बाकी डॉगी को देख के। सनसेट नहीं दिख रहा आज, थोड़ा लेट हो गए हम। ये देखिए हमारे यहाँ से हाईवे दिखता है, देखिए गाड़ियाँ चल रही है, देखिए 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 गाड़ियाँ चल रही है, ये देखिए हाईवे दिखता है हमारे यहाँ से, खेत भी दिखते हैं, ये देखिएगा ये खेत है, फिर हाईवे है, यहाँ से देखो गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, और एक इस साइड से ये देखिए गाइस हमारा आंगन, शोना की दो बुलेट खड़ी है वहाँ पे, शोना बेबी अंदर है, बैट बॉल पड़ा है नन्नू का। आई हूँ छत पे से, अब मैं बनाती हूँ सब्जी, सब्जी की प्रिपरेशन करती हूँ, दूध भी आ गया, दूध को भी इसमें बॉईल करती हूँ। शोना ने पॉपकॉर्न भी छोड़ दिया, ये भी मुझे खाने पड़ेंगे, थोड़े से खाए उसने। यहाँ पे मैंने पेठा को काट लिया है एंड टमाटो को मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, और साथ में मैंने कढ़ाई को भी रख लिया, ये देखिएगा अब मैं फटाफट इसको छोंकती हूँ।
हमारी अचारी पेठा बनके था रेडी, हमने बना दिया था। रेसिपी मैंने ज़्यादा शो नहीं की बिकॉज़ मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर की हुई है। और यहाँ पे लेके आया था घर ये लेके आए थे, सॉरी पता नहीं मुझसे क्या निकल रहा है, ये लेके आए थे घर का थोड़ा बहुत जो राशन था वो ख़त्म हो गया था, तो ये लेके आए थे सूजी, बेसन, भुजिया, खांड वगैरह जो भी हमारा ख़त्म था, तो ये राशन लेके आए थे। मैंने इनको डाल दिया था सब डब्बों में जो भी फील कर दिया था। सो गाइज, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर लवली पीपल। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। अगर आप मेरे ब्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लव यू ऑल, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और मेरे ब्लॉग को इन्जॉय करते रहो। बाय, टेक केयर लवली।